हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल बिजनेस मंत्रा पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम नए बिजनेस आइडियाज़, मोटिवेशन, कैरियर, अर्न मनी, मार्केटिंग आदि के बारे में जानकारी देते हैं, जो नए बिजनेस करने वालों के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। आज मैं जानकारी दे रही हूँ, ग्रामीण महिलाएँ स्मार्टफोन के द्वारा अपना बिजनेस कर रही है। ग्रामीण महिलाओं के हाथों में स्मार्टफोन और फ़ोन द्वारा कारोबार सुनकर हंसी आ रही होगी। इस पर हंसने की बजाय गंभीरता से विचार करने वाली बात है। ग्रामीण महिलाओं ने जो कर दिखाया है, वो उन लोगों के लिए करारा तमाचा है जो खुद को बेरोजगार मानकर लोगों की सिंपैथी बटोरते रहते हैं। ASO Match की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण महिलाएं न केवल स्मार्टफोन चलाने लगी है, बल्कि वो अपने स्मार्टफोन पर इंटरनेट भी चला रही है और तो और इसके साथ वो कारोबार भी कर रही है। आइए देखते हैं कैसे। इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, यह काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रिपोर्ट के अनुसार 40% ग्रामीण महिलाएं स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रही है, जिनमें से अधिकतर महिलाएं इसका इस्तेमाल अपने कारोबार को बढ़ाने में कर रही है। इन महिलाओं का कहना है, स्मार्टफोन ने उनकी ज़िंदगी बदल दी है। स्मार्टफोन की वजह से उन्हें बाहर निकलकर काम की तलाश नहीं करनी पड़ रही है, अब वे घर बैठे ही काम कर लेती है। स्मार्टफोन चलाने वाली 10% महिलाएं इस पर इंटरनेट चला रही है, वहां सर्च करके अपने लिए काम की तलाश कर लेती है। 80% महिलाएं ईमेल के जरिए कारोबारियों की तलाश करती है। ग्रामीण महिलाएं व्हाट्सएप द्वारा अपने द्वारा तैयार प्रोडक्ट के लिए कस्टमर की तलाश कर रही है। इतना ही नहीं, वे उन्हें अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कन्विंस भी करती है। साथ ही साथ स्मार्टफोन के माध्यम से अपने बिजनेस की पब्लिसिटी भी करती है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से अनेक महिलाएं जो काफ़ी कम पढ़ी लिखी है, लेकिन स्मार्टफोन पर जब इनकी उंगलियाँ चलती है तो देखने वालों की आँखें फटी की फटी रह जाती है। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े के अनुसार 10.8% ग्रामीण महिलाओं के पास स्मार्टफोन है। हो सकता है जियो ने इनकी संख्या और भी इजाफा किया हो, जिनमें से 12% ग्रामीण महिलाएं स्मार्टफोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल भी करती है। यह सुनकर कईयों के दिमाग में यह बात भी आ रही होगी कि ग्रामीण महिलाएं, वे भी कम पढ़ी लिखी, भला स्मार्टफोन के द्वारा ऐसा कौन सा बिजनेस करती होगी। समझदार और बुद्धिमान महिलाएं हमेशा ही अपने परिवार की भलाई के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती है। इस मामले में ग्रामीण महिलाएं भी पीछे नहीं है। स्मार्टफोन के द्वारा ग्रामीण महिलाएं फूल और सब्जियों का बिजनेस करती है। ग्रामीण महिलाएं अपने स्मार्टफोन के द्वारा इनका ऑर्डर लेती है और उन्हें व्यापारियों तक पहुँचाने का काम तक करती है। सीजन के समय सब्जियों की डिमांड बढ़ जाती है, उस समय वे काफ़ी अच्छी कमाई करती है। यही नहीं, त्यौहार के दिनों में इन्हें फुर्सत नहीं मिलती। अपने ऑर्डर को पूरा करने के लिए ये 24 से 18 घंटे तक काम करती है। त्यौहार के दिनों में सिर्फ फूल ही नहीं, पूजा से संबंधित और भी सामग्री जैसे तुलसी, केला, आम, बेल, सोन, मदार आदि के पत्ते, दुवा, गेहूँ की बाली, धान की बाली, कास फूल आदि संग्रह कर उन्हें थोक बाजार तक पहुंचाती है, जिससे वो काफ़ी अच्छी कमाई कर लेती है। इतना ही नहीं, गोबर से तैयार कंडे आदि का सप्लाई भी करती है। ग्रामीण महिलाएं अपने स्मार्टफोन के द्वारा दुधारू पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि की बिक्री भी कर लेती है। दूध, घी, खोआ की बिक्री अपने स्मार्टफोन के माध्यम से कर लेती है। मुर्गी, बटेर और उनके अंडे व चूजों की बिक्री का काम भी स्मार्टफोन से कर लेती है। इसके अलावा अनेक महिलाएं कपड़े, राशन, किराना दुकान भी चला रही है। शहरी स्लम इलाके की पढ़ी लिखी महिलाएं प्रॉपर्टी की दलाली, रूम रेंटल, होममेड दिलवाने का काम अपने स्मार्टफोन से कर रही है। यही नहीं, अनेक चतुर व बुद्धिमान महिलाएँ ट्रेन, फ्लाइट या बस का टिकट दिलाने के साथ साथ विदेश में भिजवाने के लिए वीज़ा का काम भी कर रही है। मेट्रो शहर के आसपास में रहने वाली अनेक महिलाएं ऐसे कामों में काफ़ी रुचि लेती है और अपने परिवार के जीवन स्तर को उठाने में लगी रहती है। महिलाएं जो काम कर रही है,
वह पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है, वे जो कमिटमेंट करती है उसे पूरा करती है, इसलिए बड़े व्यापारी इनसे डील करके काफ़ी खुश है। जहां आज के युवा स्मार्टफोन में अपना अधिकतर वक्त मोबाइल चैटिंग या गंदी फिल्में देखने में व्यतीत करते हैं, वहीं अनपढ़ और कम पढ़ी लिखी महिलाएं स्मार्टफोन का इस्तेमाल अपने परिवार के जीवन स्तर को उठाने में लगा रही है। मित्रों, इस वीडियो में हमने किसी बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं दी है, बल्कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके ग्रामीण महिलाएं जो कर रही है उनसे आज के युवाओं को सबक लेना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके अपने समय को नष्ट करने की बजाय इसे स्मार्ट वर्क में लगाना चाहिए। ग्रामीण महिलाओं ने खुद कुछ करने के लिए कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, ना उन्हें ऐसा करने के लिए किसी ने मोटिवेट किया। इसके बावजूद उन्होंने मोबाइल में अपना भविष्य ढूंढ लिया। उन्हें देखकर यह स्पष्ट होता है कि मन में यदि कुछ हासिल करने की बात ठान ली जाए तो उसे किसी भी तरह से हासिल किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है यह वीडियो उनके मन में कुछ कर दिखाने का जज्बा पैदा करेगा। जो अब तक कुछ नहीं कर रहे हैं वे अपने हिसाब से ऐसा कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश करेंगे और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, इसे अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो ना पसंद आने पर कमेंट बॉक्स में लिखें उन्हें ये क्यों पसंद नहीं आई। आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अपने एक नए वीडियो में एक नए बिजनेस मंत्रा के साथ। नमस्कार।